आप सबको मेरा नमस्कार। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली, जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं, वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्योहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी, और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे, इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है। आप सबको मेरा नमस्कार। 30 और 31 अक्टूबर को छठ का त्योहार है। हम सब लोग, पूरा देश, सभी लोग हम मिलके छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, सब लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सब लोगों की तरक्की के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। 2 साल से हम पब्लिकली, जिस तरह से बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली सरकार इंतज़ाम करती है, 2 साल से उस तरह से छठ पूजा नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना था। अपने अपने घरों में सब लोगों ने मनाई, लेकिन सामूहिक रूप से जिस तरह से हम बाहर आके और बड़े स्केल पे मनाते हैं, वो नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है 2014 में, तब से लेके भव्य रूप से इस पूरे त्योहार को मनाने का हमने सिलसिला चालू किया है। पहले छठ पूजा दिल्ली में बहुत छोटे स्तर पे मनाई जाती थी। जैसे 2014 में केवल 69 स्थानों पे छठ पूजा दिल्ली में मनाई जाती थी, जिसको दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करती थी। 2.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च करती थी, 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे छठ पूजा मनाई जाएगी, और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे, इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्योहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके लिए सरकार इंतजाम कर रही है।